हे यूट्यूब फैमिली, तो आज अंदानम का हम लोग ये ब्लॉग बना रहे हैं। फैमिली, तो जो भी आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना। पूजा सी एच वाई लाइफस्टाइल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो फाइनली अभी गणेश पूजा चल रहा है और आज हम लोग कर रहे हैं अन्नदान प्रसादम भंडार कर रहे हैं आज। और आज शाम में आप लोग को मैं पूरे ब्लॉग में जुड़े रहिए और दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से हम लोग जो है ये अन्नदान का प्रसाद जो है वो बनाते हैं खुद से, और शाम में पूरे जन को अन्नदान का प्रसाद, गणेश भगवान का, पप्पा का प्रसाद खिलाते हैं। तो अगर आप लोग को ये प्यारा सा ब्लॉग वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, और प्यारे प्यारे कमेंट करना, कमेंट में जय श्री गणेश लिखना मत भूलना गाइज, और अपना सपोर्ट बनाए रखना। और आपको मैं, आप जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग को लास्ट तक देखिए और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ है आज हमारे पूरे दिन में, तो वो भी आप लोग देख सकते हो ये वाले वीडियो में। और आई होप कि गाइस ये वाला ब्लॉग मैं थोड़ा सा लेट डालूँ क्योंकि मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और मतलब इतना सारा ये देख सकते हैं आप, शाम हो गया है और यहाँ पे जो है प्रसाद का लाइन लग गया था और मतलब पूजा वगैरह, तो मैं जो ब्लॉग तो बना ली थी लेकिन एडिट करते उस समय मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया गाइज़। तो आप लोग फाइनली मैं यहाँ पे आप लोग को सब थोड़ा थोड़ा सा वीडियो क्लिप आगे पीछे करके दिखाऊंगी और पूरा अच्छे से दिखाऊंगी फ्रेंड्स। तो ये वाला जो ब्लॉग है वो लास्ट तक देखना ना भूले, और मतलब पूरा कम्प्लीटली देखे कि कैसे हमने पूजा करा और कैसे हमने पप्पा का भोग लगाया पप्पा का। तो जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग से। ये फ्रेंड्स, टाइम लग गया मुझे एडिट करने में क्योंकि आप लोगों को तो पता है इतना मेहनत से मैंने ब्लॉग शूट किया था और बाद में एडिटिंग करके मैंने पूरा ये, इस वक्त वजह से ही ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि गाइज साउंड था यहाँ पे, सब बहुत गाना बज रहा था और सब कोई जयकारा लगा रहे थे, माइक में गाना भी गा रहे थे, तो कुछ भी साउंड इफेक्ट आ जाता तो मेरा कॉपीराइट लग जाता, इसलिए वजह से जो है मेरे को थोड़ा टाइम लग गया। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दोगे इस वीडियो को और पूरा तरह देखो क्योंकि मेरा पूरा फैमिली है इसमें, और हमने अच्छे से पप्पा का जो है वो भंडारा किया था। इतना लाइन लगा हुआ था गाइज, मैं आपको पूरा शॉर्ट्स में तो हल्का हल्का आपको दिखाई हूँ मैं, और वीडियो भी आपको पूरा बना के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हमने पप्पा का डेकोरेशन वगैरह भी बहुत धूमधाम से, इस बार हमने बाहर पंडाल बैठाया था और बहुत ही अच्छे से किया था, बहुत ही धूमधाम से किया था। और यहाँ पे जो है मेरा भाई भी बैठा हुआ है इधर, आप देख सकते हो, और वो हंस रहा था कि आप इतने भीड़ में भी ब्लॉग बना रहे हो। मैं बोली कि हाँ थोड़ा सा बना लेती हूँ, टाइम तो नहीं है, ताकि ऐसा बना रही हूँ जो रील्स भी बना लूँ और वीडियो भी। और वहाँ देख सकते हैं माही जो है अपनी मोबाइल में लगी हुई थी, और यहाँ मेरे पप्पा जो हैं वो बैठे हुए थे। और हम लोग हर एक साल ये बहुत ही धूमधाम से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं पूजा, गणेश पूजा। और यहाँ पे हैदराबाद में ये गणपति का जो मतलब माहौल ही अलग सा रहता है, बहुत अच्छा रहता है ये फ्रेंड्स। और आप देख सकते हो कि पूजा के लास्ट में मतलब अन्नदान ख़त्म होते ही यहाँ पे जो है वो चैनल वाले भी आ गए थे, न्यूज़ चैनल वाले ARM, और आप देख सकते हो यहाँ पे भरत, मतलब ये तेलुगु कुछ चैनल है जो हैदराबाद का चैनल है, तो वो चैनल वाले भी आए थे कि हम हर एक साल करते हैं और ये उत्सव है, और यहाँ पर जो है हमारे रिलेटिव सब हैं और रिलेटिव ये लोग बताते हैं कि किस तरह से पूजा हुआ, किस तरह से पंडाल बना। और यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है तो कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। और 17 तारीख को हम लोग विसर्जन करेंगे, तो वो भी आप लोग डांस करते हैं जो कैसे पप्पा का विसर्जन करते हैं, और यहाँ से जैक बॉल तक हम लोग कैसे जाते हैं वो भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे पूजा से लाइव रहता है और इंस्टा ब्लॉग भी है मेरी सिस्टर का। तो आप ये सब पे अपना प्यारा सा सब सपोर्ट करिए और आप गणेश भगवान को लाइव देख सकते हैं कितना धूमधाम से हम लोग विसर्जन करते हैं। और 17 को हम लोग 17 को हम लोग बड़े प्यार से पप्पा को एकदम विदा करने वाले हैं, तो कि हमारे पप्पा अच्छे से, हम पप्पा को जिस तरह से अच्छे से खुशी खुशी लाए, उसी तरह खुशी खुशी विदा करें, और अगले साल फिर से हम लोग खुशी खुशी पप्पा को अपने घर लाए।
जी के साथ मैं ये समाप्त करती हूँ। गणेश हे फ्रेंड्स, देख सकते हो शाम हो गई थी और फाइनली हम और माही जो है रेडी होके आ गए थे अनदान के लिए। और अब यहाँ पे प्रसाद भी बन के रेडी था और यहाँ पे बस टेबल पे हम लोग पूरा प्रसाद को लगा रहे थे। यहाँ मेरे हस्बैंड जी बता रहे कि क्या चीज़ कहाँ पे लगाना है और कैसे लगाना है, और सब मेरे जीजा जी सब कोई जो है यहाँ पे लगा रहे थे। और माही जो है वो बाय बाय कर रही थी अपने मासी को ब्लॉग में। अरे मत कम कर दीजिए, थोड़ा जलने दे, फिर वही नहीं जलता है। हाँ ये बस अब श्रोतम गणपति बापा को थे बस। हे फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं यहाँ शाम अनलाल का तैयारी चल रहा है। ये गणपति बापा लाइन आए गए चाची, लाइन आए चाकू मारे, चाकू मारे।